तो हम लोग दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। वेलकम टू न्यू स्टोरी टाइम वीडियो। तो गाइस आज मैं कौन न्यू स्टोरी टाइम लेकर आ चुका हूँ और स्टोरी टाइम थोड़ा सा ये इमोशनल होने वाला है, थोड़ा सा ये फनी होने वाला है। चलो यार स्टोरी टाइम की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस ये बात है आज से को 3 से 4 महीना पहले की, जब मैं अपनी नानी के घर पर रुका हुआ था। और फिर उसके बाद क्या हुआ, हम लोग सुबह सुबह उठे, मतलब तो सुबह सुबह तो ही उठते हैं ना, थोड़ी ना रात को उठते हैं। सुबह सुबह उठा, ब्रश व्रश किया, खाए वाए, फिर दोपहर को हम लोग फ्री फायर खेलने लगे। खेल के हम लोग सोचे कि बाहर चलो अब खेलने जाते हैं, घर पे तो खेल ही लिए थे फ्री फायर, अब बाहर खेलने का सोचे। तो मेरा जो जेब था ना उसमें चेन वाला जेब नहीं था, और अगर मैं बाहर खेलता तो फ़ोन मेरे जेब से गिर जाता तो प्रॉब्लम हो जाती। तो मैं नीचे चले गया, पर भाई मैं सोचा कि वापस से ऊपर जाके कौन रखेगा भाई फ़ोन को, तो मैंने हॉल पर ही रख दिया फ़ोन को। पर जब हम लोग खेल के वापस आए तो मेरे को मेरा फ़ोन नहीं दिखा। हाँ उस दिन मेरे को इतना मतलब डर लग रहा था भाई, फ़ोन गया तो गया कहाँ भाई, कहाँ गया। हम लोग ऑलमोस्ट पूरा 1 से 2 घंटा गेम खेल लिया था, मेरे फ़ोन की चार्जिंग बहुत कम हो चुकी थी, कॉल भी करते तो भी उसमें आवाज़ नहीं आती, पूरा पावर ऑफ हो चुका था फ़ोन। और जब मैंने फ़ोन को ढूंढने की कोशिश की मेरे को कहीं नहीं मिला, माहौल में अच्छे से पूरा चेक किया को नहीं मिला। मम्मी भी घर पे नहीं थी, हॉल पे मतलब हॉल पे नहीं नानी घर पे। मैं फ़ोन लगाऊँ तो लगाऊँ कैसे, तो मैं बहुत देर तक ढूंढा और मेरे को लगा कि मेरी बहन हो सकता है खेल रही होगी उसको, और खेल के कहीं रख दी होगी तो उससे पूछ लूँगा। तो उससे पूछा तो वो तो उसको पता ही नहीं है, तो हम लोग बोल रहे थे छुपाई है क्या, मस्ती कर रही है क्या, तो बोली नहीं। वो तो रोने पर आ गई बेचारी। पर फिर भी हम लोग ढूंढे, मतलब मैं पहले ढूंढने गया, मैंने ऑलमोस्ट पूरा घर को चेक किया, मेरे को कहीं नहीं मिला। और जब आप लोग सुनोगे ना कि वो कहाँ था, हंस पड़ोगे भाई सही में। तो फिर उसके बाद पूरे घर के लोग ढूंढने लगे कि कहाँ गया मेरा फ़ोन, क्योंकि मिलता नहीं तो गड़बड़ हो जाती है ना। और मैं जिस फ़ोन से अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना, यही है वो फ़ोन जो गुम गया था पर वापस मिल गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, सब ढूंढने लगे, कोई लास्ट में हॉल में ढूंढ रहा है, कोई बीच में ढूंढ रहा है, कोई फर्स्ट फ्लोर में ढूंढ रहा है, एकदम सबसे टॉप पे। तो क्या हुआ, किसको तो मिला था फ़ोन सबसे टॉप पे, हाँ मेरी बहन को ही मिला था, सबसे टॉप के खिड़की के अंदर घुसा पड़ा था, है ना भाई। मतलब समझो कौन रखा होगा भाई इतने अंदर, मतलब हॉल से उठा के भले चलो तुम फ्रिज के ऊपर रख रहे हो, खिड़की के पास रख रहे हो, खिड़की के अंदर ऐसे घुसा के कौन रखते हो कि बंदे को दिखे ही ना, गजब है यार। और मैं उस दिन इतना ज़्यादा इतना दुखी हुआ था ना, उस दिन मैं वीडियो भी नहीं डाल पाया था भाई मैं वीडियो भी नहीं डाल पाया था उस दिन, एक दिन मेरी वीडियो भी नहीं आई थी क्योंकि नानी घर घर पे था, और अगर रहता भी तो वहाँ से रिकॉर्ड करके घर पे अपलोड कर देता घर जाके वाईफाई से। बट गुम गया था भाई, पर मिल गया। मिलने के बाद मैंने चार्ज पे लगाया, मैं बहुत रोया था, और मैंने चार्ज पे लगाया। फिर उसके बाद जब हुआ ना इतना मतलब रोना आ रहा था, क्या बोलूं, मम्मी सबके सामने डांटने लगी और बोली कि बहुत फ़ोन चलाने लग गया है। पर मैं उस दिन ऑलमोस्ट बस 2 घंटा खेला था, बस 2 घंटा, वो भी लगातार नहीं खेला था मैं, पर फिर भी मेरे को डांट वाट पड़ी। मैंने बोला था ना थोड़ा सा इमोशनल और थोड़ा सा फनी होने वाला है, फनी पार्ट था कहाँ पर, फ़ोन अजीबोगरीब से जगह पे छुपा था और मेरे को इतनी डांट पड़ी। फिर उस दिन घर जाके भी मम्मी ने मेरे से फ़ोन ले लिया था, है ना मम्मी ने फ़ोन ले लिया। ऑलमोस्ट मैं 1 से 2 दिन तक आई थिंक फ़ोन नहीं लिया था, पर मैं मांग रहा था तो मम्मी ने एक बार दे दिया खेलने को। पर भाई उस दिन के बाद से मैं सोच लिया कि मैं हॉल में तो कभी नहीं रखूँगा, मैं रखूँगा तो फिर मैं वहीं रखूँगा, क्या बोलते हैं अपने पास। या फिर उसके बाद से मैंने उसको सेफ जगह पे रखना शुरू कर दिया। मैं उस दिन ऑलमोस्ट 5 से 6 घंटा टेंशन में था, कहाँ गया मेरा फ़ोन, कहाँ गया मेरा फ़ोन भाई, मतलब सही में बता रहा हूँ। घर जाके तो और डांट पड़ी थी कि कितना फ़ोन चलाने लग गया है, ध्यान नहीं देता, हॉल में क्यों रखा था। और सब लोग कह रहे थे कि हॉल में अब से नहीं रखना क्योंकि हो सकता है कोई आके चोरी करके ले जाए, अभी तो कोई ऊपर रख दिया और पता ही नहीं चला भाई अभी तक कौन रखा है। तो गाइज आई थिंक आज की स्टोरी टाइम में इतना ही। आई होप आप लोग को स्टोरी टाइम अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते जल्दी नेक्स्ट स्टोरी टाइम या फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।